हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस की लड़ाई बिके हुए विधायकों के खिलाफ है और निश्चित तौर पर बीजेपी ने विधायकों को खरीदा के उन्होंने कहा जयराम ठाकुर केवल मात्र ढिंडोरा पीटने का काम कर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी तो सिर्फ ढिंडोरा पीट रहे हैं, अपने तो 5 साल में कुछ किया नहीं और जब हमने किया लोगों के पहुंच बनाने, हम अंतिम समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए हम योजना लेकर आए, हमारी सरकार को गिराने के लिए बार बार बयान देते हैं और कहते हैं कि 4 जून को हम दोबारा सरकार बनाएंगे। अरे भाई आप मैथमेटिक्स में आप कमजोर है, 4 जून को भी अगर हम ही सत्ता में होंगे और अगले 5 साल 3.5 साल और जनता की सेवा करेंगे और सेवा करने के बाद हम जनता की अदालत में जाएंगे कि हमने 5 साल में आम जनता से जुड़े हुए, आम परिवार से जुड़े हुए, गरीब से जुड़े हुए, किसान से जुड़े हुए, महिलाओं के लिए ये योजनाएं लेके आ रहे हैं। उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को जो हम फ्री इलाज की सुविधा लेके आ रहे हैं वो अच्छा नहीं लग रहा। हम मनरेगा के जो हमारी बहनें जो लगी होती है, भाई जो लगे होते हैं, उनकी दिहाड़ी को 60 रुपये बढ़ा दिए, ये अच्छा नहीं लग रहा। उन्हें सिर्फ ये अच्छा लग रहा है कि किसी तरह लोकतंत्र में अपने प्रत्याशियों को जिता सके, चाहे झूठ ही बोलना पड़े, डर ही दिखाना पड़े, लेकिन इतना उनको ज्ञान होना चाहिए। 62 के हाउस में हमारे पास 34 विधायक है, आप 25 विधायक है, 6 पर उपचुनाव होने जा रहा है और 6 उपचुनावों में जो भी जनता तय करेगी वो उसका रिजल्ट उन्हें 4 जून को पता चलेगा। जनता जानती है कि जो बिकर लोग भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े हैं उन्हें जनता कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि 14 महीने में वही उन्होंने इस्तीफा देकर अपने आप को राजनीतिक